हेलो बच्चों लेट्स रीड द क्वेश्चन ए पार्टिकल इज ऑब्जर्वड फ्रॉम टू फ्रेम्स S1 एंड S2 द फ्रेम S2 मूव्स विद रेस्पेक्ट टू S1 विद एन एक्सेलरेशन A लेट F1 एंड F2 बी द स्यूडो फोर्सेस ऑन द पार्टिकल व्हेन सीन फ्रॉम S1 एंड S2 रेस्पेक्टिवली व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट पॉसिबल यहां पर फोर ऑप्शंस दे गए हैं और कहा गया है कि दो फ्रेम है एस वन एंड एस टू जहाँ पर से एक पार्टिकल को ऑब्जर्व किया जा रहा है और वो एस टू फ्रेम क्या कर रहा है एस वन के रेस्पेक्ट में एक A के साथ कर रहा है और एफ वन एफ टू क्या है वो स्यूडो फोर्सेस हैं जो कि एस वन और एस टू फ्रेम से अगर हम इस पार्टिकल को देखेंगे इस पर ये एफ वन और एफ टू सूडो फोर्स अप्लाई हो रहे होंगे तो हमें पूछा गया है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा पॉसिबल नहीं हो सकता क्वेश्चन को हम एक डायग्राम के थ्रू समझेंगे अगर ये एक पार्टिकल है और ये एस वन फ्रेम है और ये एस टू फ्रेम है जहां से इस पार्टिकल को ऑब्जर्व किया जा रहा है और कहा गया है कि एस टू फ्रेम एस वन के रेस्पेक्ट में कुछ एक्सीलरेशन ए में मूव कर रहा है अगर वो एक्सीलरेशन इस तरफ होगा दैट मींस इन एक्स एक्सिस तो ये कह सकते हैं ए आई कैप तो एस2 एक्सीलरेशन ए के साथ मूव करेगा कब कह सकते हैं जब ये एस2 स्टडी होगा और एस1 क्या कर रहा है ए एक्सीलरेशन के साथ मूव करेगा तब भी हम कह सकते हैं एक्सीलरेशन ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल टू ए जब वो x1 मूव कर रहा है तो हम इसे कहेंगे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और जब s2 स्टेडी रहेगा तो इसे कहेंगे इनर्शियल फ्रेम तो नॉन इनर्शियल फ्रेम के लिए f क्या हो जाएगा स्यूडो फोर्स पड़ेगा इस पार्टिकल के ऊपर जिसको हम ले लेंगे f1 और इनर्शियल फ्रेम के लिए क्या हो जाएगा जो फोर्स पड़ेगा उसे ले लेंगे f2 क्योंकि ये S2 टू रेडी है मतलब इसमें कोई एक्सेरेशन नहीं है तो F2 क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा लेकिन S1 एक एक्सीन के साथ मूव कर रहा है तो F1 कभी जीरो नहीं हो सकता तो पहला केस के लिए हमारे पास क्या आ गया F1 वन नॉट इक्वल टू जीरो एंड F2 टू इक्वल टू जीरो तो ये पॉसिबल हो सकता है फिर दूसरा क्या करेंगे इसको रिवर्स कर देंगे अब S1 को स्टेडी ले लेंगे इसे हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले लेंगे और S2 को एक्सीलरेशन A के साथ मूव करेंगे तो क्या हो जाएगा ये नॉन इनर्शियल हो जाएगा और ये इनर्शियल हो जाएगा सेकेंड केस में अब क्या हो जाएगा सेकंड केस में हम कह सकते हैं एस वन के लिए फोर्स अगर एफ वन है और एस टू के लिए फोर्स अगर एफ टू है एस वन अभी टू जीरो पॉसिबल हो गया है और एफ वन इक्वल टू जीरो पॉसिबल हो गया है तो ये दोनों हमारे आंसर नहीं होंगे क्योंकि हमें बताना है नॉट पॉसिबल वाला केस अब हम और एक केस को कंसिडर करेंगे जब ये पार्टिकल है ये फ्रेम और ये एस टू फ्रेम में और दोनों ही फ्रेम कुछ एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहे हैं S1 के लिए अगर हम ले ए टू ले लेंगे तो रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा ए वन प्लस ए टू ये हो जाएगा रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ द टू फ्रेम्स जिसकी वजह से दोनों में ही कुछ फोर्सो फोर्स अप्लाई होंगे इस पार्टिकल के ऊपर एस वन के लिए उसे अगर हम एफ वन ले लेंगे और एस टू के लिए उसे अगर हम एफ टू ले लेंगे तो यहाँ पर दोनों ही नॉट इक्वल टू जीरो नॉट इक्वल टू जीरो और एफ टू भी नॉट इक्वल टू जीरो तो ये भी एक पॉसिबल केस है तो थर्ड ऑप्शन भी पॉसिबल है तो ये तीनों हमारा आंसर नहीं होंगे और जो फोर्थ ऑप्शन है उसको भी हम चेक कर देंगे एफ वन इज इक्वल टू जीरो और एफ टू इज इक्वल टू जीरो तो ये कभी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है एस टू जो फ्रेम है वो एस वन के रेस्पेक्ट में कुछ एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है जब एक्सेलरेशन है तो एक ना एक केस में दोनों में से कोई एक भी एक्सेलरेट हो रहा होगा दोनों ही एक्सेलरेट ना हो ऐसा कभी नहीं हो सकता तो एक ना एक का एक्सेलरेशन का वैल्यू नॉन जीरो होगा तो फोर्स भी नॉन जीरो आएगा तो यहाँ पर जो दिया है दोनों ही फोर्स जीरो दिए हैं ये कभी नहीं हो सकता तो यहाँ पर जो पूछा गया है ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट पॉसिबल तो हमारा आंसर हो जाएगा तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी दट इज एफ वन इक्वल टू जीरो एंड एफ टू इक्वल टू जीरो वाला केस कभी पॉसिबल नहीं हो सकता आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल ऑल द बेस्ट